जो फोर वे टनल बनाया हम बहुत खुश है इससे, और जो टनल है वो बहुत ही अच्छा बनाया, हम घूम के आया, हमें बहुत अच्छा फील हो रहा है। अच्छा, तो दोबारा जाना चाहोगे फिर से टनल में घूमने? तो आज आपको बहुत ही बड़ी खुशखबरी देने जा रहा हूँ। फोर वे टनल का काम जारी था पानीहाल से लेकर काजीगुंड, वो आज पाए तकमील तक पहुँच चुका है। नाजरीन, ये आज बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। जहाँ तक आज जो है ट्रायल के लिए ये छोड़ दिया गया है, 5 बजे से 7 बजे के दरमियान में जो गाड़ियाँ काफी तादाद में जो है यहाँ से ट्रैफिक, आप वाजे मेरे पीछे देख भी रहे हैं नाजरीन, अब ये सफर हो गया है बहुत ज्यादा आसान। ताना चाहेंगे मालूमात के तौर पे 8.5 किलोमीटर का ये टनल है जो कि 10 साल करीब हो गए अंडर कंस्ट्रक्शन था, आज ये तैयार हो चुका है और ट्रायल के लिए इसे छोड़ दिया गया है। जहां तक मालूमात मिली है अब जो है इसी महीने के अंदर ही ट्रैफिक यातायात के लिए ये फोर वे टनल जो है इसके बाद छोड़ दिया जाएगा। लेकिन वहीं खुशी की लहर देखने को मिल रही है लोगों में, नौजवानों में, बच्चों में काफी ज्यादा खुशी की लहर देखने को मिल रही है। नाजरीन, हम कुछ मनाजर दिखाने की कोशिश करेंगे। आखिरकार ये जो फोर वे टनल है ये ओपन तो हो चुका है, इसके साथ ही साथ लोगों में किस किस्म का जोश और जज्बा है, गाड़ियां रोक रोक के सेल्फियां बनाने में लगे हुए हैं। हर तरफ से अगर देखा जाए तो ये पानीहाल के एक तरफ में जहाँ से ये टनल शुरू होता है आप मेरे पीछे देख सकते हैं, खूबसूरत जगह है और एकदम से डिफरेंट टाइप का ये टनल है जिसका एक डोर है यहाँ से सामने आपको नजर आ रहा है, गाड़ियां आती हुई जाती हुई नजर आ रही हैं। नाजरीन, साथ ही साथ यहाँ पे काफी खूबसूरती देखने को मिल सकती है। पानीहाल रेलवे स्टेशन के करीब में ही जो फोर वे है वहां से आप आसानी गाड़ी लेके जो है कश्मीर की तरफ जा सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 7 मिनट के अंदर। 5 बजे से 7 बजे तक ट्रायल के लिए गाड़ियां यहां से छोड़ दी गई हैं। तो आपको कैसा फील हो रहा है? तो बहुत फील अच्छा फील हो रहा है, लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम वहां से जाते थे तो 3 घंटे 4 घंटे का सफर रहता था, तो अब वो सिर्फ 10 मिनट में या 15 मिनट में वो कम्प्लीट होता था, इसके लिए हम बहुत खुश है। आप घूमे टनल के अंदर तो कितना लुत्फ आया, कितना मजा आया? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी सुविधा है और 10 मिनट में हम 4 घंटे का सफर पूरा करते हैं, ये बहुत खुशी। सर, हमने खाली 10 मिनट में सर हमने यहाँ टनल क्रॉस की, काजीगुंड से हम भानीहाल पहुँचे 10 मिनट में, इससे हमारा इससे टाइम भी बचेगा लोगों का। इससे आजकल सर आपकी न्यूज चैनल भी बहुत अच्छी है, यहाँ पर पहुँची है, लोग तो पहुँचा रहे हैं कि कितना टाइम बच रहा है इस टनल से। कितने खुश हैं आज आप टनल को देख के? ये बहुत खुश है, बहुत खुश, शाबाश, दोनों काले चल चुके हम। अब क्या महसूस हो रहा है कि ये टनल खुल चुका है तो कितनी आपके लिए आसानियां पैदा हो गई हैं? बहुत आसानियां पैदा होगा जी इसके लिए, सब लोगों के लिए, सारे कश्मीर के लिए, सारे पैसेंजर के लिए। हम बहुत खुश है क्यों, हम यहाँ पे रहते, जो पहले रेलवे टनल है मेरा तो सामने, उसके सामने मेरा मकान है, मैं वहाँ पर मैंने खुद इसमें ठेकेदारी किया है, लेकिन इससे लोगों का बहुत, हमको खुद पता है कितनी परेशानी होती थी पैसेंजरों का, बहुत परेशानी होती थी, घंटों के दिन 4 दिन 5 दिन गाड़ियां रोकती थी, बहुत मुसीबत होता था डेवरू का खासकर। मैं बहुत खुश हूँ कि यह खुल गया टनल यहाँ पर, इसके कारण से बहुत लोगों को आराम मिलेगा, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। और HR हेड है आप जो, और ये कश्मीर घाटी में जो टनल अभी तक ओपन हुआ है तो इस बारे में हमें थोड़ा इन्फॉर्म करेंगे, क्या किलोमीटर है ये? 8.5 किलोमीटर है जी। तो कितना अरसा लगा इसको बनने में? 10 साल हो गया सर। ये कंपनी कौन सी है? नविका इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड है जी। जी जी, तो अभी इसका उद्घाटन कब तक होने वाला है, क्या है पब्लिक के लिए कब तक अभी खोला तक जाएगा? हमारा का इन्फॉर्मेशन नहीं है, ट्रायल ही चल रहा है। कि ये कब से ट्रायल चल रही है? ट्रायल हमने 2 दिन किया, आज और 1-2 दिन पहले हमने ट्रायल किया।